नमस्कार सर। अभी कुछ दिनों पहले भारत के संसद में बजट पेश किया गया, और आपके इस बजट को लेके क्या विचार है, एवं ऐसे कौन से बिंदु हैं जो इस बजट को भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगे, कृपया वो भी बताइए। धन्यवाद। देखिए, मैं इस बजट को अब तक का सबसे अनूठा बजट मानता हूं। इस बजट को मैं गेम चेंजर कह सकता हूं। इस बजट को मैं पहली बार देख रहा हूं कि इकोनॉमी को रिसेट करने वाला बजट है। और जिस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी से परेशान थी, एक व्यक्ति को अपने घर का बजट बनाने में हिल जाना पड़ा है, वहां एक देश का, भारत सरकार का बजट इतनी बड़ी महामारी के बाद भी बिना कोई एक भी रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स लगाए हुए आया, यह हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है। और मात्र ऐसा ही नहीं हुआ कि हमने एक पैसा भी टैक्स नहीं बढ़ाया कहीं, हमने बहुत सारी राहत दी है। देश के बुजुर्गों का, 75 साल से ऊपर के लोगों का इनकम टैक्स के रिटर्न से ही हटा दिया जाना, इनकम टैक्स अब उन पे लगेगा ही नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं इस देश के बुजुर्गों के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मेरा मानना है कि लगभग रेलवे में, स्वास्थ्य में, अनाज में, ये सब ऐसे 7 सेक्टर हैं जहां 5 गुना ज्यादा बजट का प्रावधान हुआ है। मैं बहुत खुशी व्यक्त कर रहा हूं। ये देश के इनकम टैक्स पेयर, वो लोग इनकम टैक्स, कभी भी कोई इनकम टैक्स देता है तो कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, तो छोटी छोटी गलतियों में भी 6-6 साल तक गलती निकाल करके और इनकम टैक्स पेयर को बहुत परेशान किया जाता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 6 साल तक रीओपन करने के केस के प्रावधान को मात्र 3 साल कर दिया गया, जो कि इस देश के इनकम टैक्स पेयर की संख्या बहुत बढ़ाने वाला है, क्योंकि कई लोग इस डर से इनकम टैक्स से भागते रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी मैं बात देखता हूं। और कई सेक्टर में मेरा ये मानना है कि कई सेक्टर में जितने ज्यादा बजट का प्रावधान हुआ है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, वहां भी लगभग 10% ज्यादा प्रावधान हुआ है, रक्षा क्षेत्र में 17% ज्यादा प्रावधान हुआ है, और कई जगह तो आप समझिए कि जैसे एक मैं देख रहा था कि पहले जहां 236 करोड़ रुपए अनाज के खरीद में लगाए जाते थे, अब 10,546 करोड़ लगेंगे। मतलब 5-5 गुने ज्यादा बजट का प्रावधान इतनी महामारी के बाद, मैं समझता हूं कि बहुत बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। लेह में विश्वविद्यालय की स्थापना होगी इस बजट के बाद। हम सबको अब 70 साल में एक यूनिवर्सिटी नहीं दे पाई लद्दाख को पिछली सरकारें, तो मैं मानता हूं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बजट है और चमत्कारी भी है, गेम चेंजर भी है, इकोनॉमी को रिसेट करने वाला है, ये तो अर्थशास्त्री भी मान चुके हैं।